अजंटा से, और अजंटा के बाद हम जा रहे हैं घृष्णेश्वर है, तो हम तो सीधा मंदिर जा रहे हैं। पिछली एक दो बार जब भी हम मंदिर आए हैं तब हमने इलोरा घूमा, रोड पकड़नी पड़ती है और वो फिर अपने को नलदुर्ग पे ले जाके NH-65 पे जोड़ती है जो हैदराबाद जाता है। अब नॉर्मल रूट यही, लास्ट टाइम ये हम ले गए थे बड़ा सही था, 100 रुपए का 4 किलो था, बट अभी भैया ने बोला 60 रुपए किलो है। ये सीजन नहीं है, ये हैदराबाद में ये नहीं होता, कुछ और तरीके से निकालते हैं, दिल्ली में ऐसे ही निकालते हैं। तो 60, अब क्या है कि अपने को पूरा सोलापुर तक नहीं जाना, सोलापुर से लगभग थोड़ा सा राइस दिया था एक कटोरी, ये हमने खाया बहुत अच्छा है। ये वो ये सूप दिया था, शुरू में हमने इतना पिया नहीं, मैं रोटी खाने में 444 किलोमीटर है यहाँ से हैदराबाद। हमारा घर थोड़ा कम है बिकॉज हमारा, और जैसे कि महाराष्ट्र में होता है जनरली 2-3 बार दिन में पुलिस वाले रोक लेते हैं, तो हमें रोक लिया पीछे एक्चुअली। और ये हम क्रैब खा रहे हैं, देसी क्रैब, मड क्रैब, नदी वाला जो महाराष्ट्र में होता है, ये है उसका क्लॉक। और इसे खाने का सही तरीका, सामने की रोड देखो आप, ये है तुलजापुर नलदुर्ग रोड। गुड़ चा चाह यही देख के हम रुके, हमें गुड़ वाली चाय पीने का मन था। शिवसेना के भी टुकड़े हो रखे हैं आजकल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के बज गए हैं 6:40 और हम रेडी हैं घर को जाने के लिए। हम अजंटा केव्स के पास रुके हुए थे होम स्टे में, और आज हम घर जाएंगे, और बीच में हम घृष्णेश्वर भी जाएंगे जो एक ज्योतिर्लिंग है, आई थिंक 12वां ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का, तो वहाँ दर्शन करेंगे। सावन का महीना है, दर्शन करते हुए फिर घर को जाएंगे। टोटल लगभग 600 कुछ किलोमीटर के आसपास होने वाला है, अभी मैं मीटर चेक करूँगा तो एग्जैक्ट बता दूँगा। अभी हम निकलने के लिए रेडी हैं, ये देख सकते हो आप, वाइफ भी रेडी है, बेटा भी इधर रेडी है मंदिर जाने के लिए टेम्पल अटायर में। चले बेबी। और ये हम निकल गए हैं अपने अजंटा के पास के होम स्टे से, और आप देख सकते हो ये आई थिंक इस रोड का नाम 753F हाईवे दिखा रहा है, बट आई थिंक ये वो रोड है जो औरंगाबाद को अजंटा केव से जोड़ती है। हम इसी से जा रहे हैं, और अब हम जा रहे हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग। गंडे वाली रोड आ गई थोड़ी सी, वहाँ जाएंगे। भीड़ हो सकती है, सावन का महीना है इसलिए सुबह जल्दी निकलने का प्लान था, बट निकलते निकलते लगभग अपने को हो ही गया 7 बजे के आसपास। 2 घंटे का रास्ता है यहाँ से, सो 9 बजे के आसपास हम होंगे ज्योतिर्लिंग पे, वहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद वहीं कुछ हल्का नाश्ता करेंगे और फिर आगे घर को हैदराबाद जाएंगे, और फिर आपको रूट भी बता देंगे। और ये आप देख सकते हो हम क्रॉस कर रहे हैं महाराष्ट्र का सिल्हौड शहर, सिल्हौड म्यूनसिपैलिटी है ये, और अभी हम आ चुके हैं अजंटा के वहाँ से, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स आ गए, हाफ एन आवर लगा अपने को। रोड ऐसी है, बहुत ज़्यादा हाईवे टाइप नहीं है, सिंगल लेन रोड ही है, हाईवे है बट सिंगल लेन ही है, और बीच बीच में शहर भी आ रहे हैं इसलिए हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहे तेज़। यहाँ से अब इलोरा कह लो या आप घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कह लो, दोनों 1 किलोमीटर ही आसपास है, वो अब यहाँ से रह गया है 67 किलोमीटर रह गया, और 1 घंटे 17 मिनट का रास्ता है। अभी भी ये बता रहा है कि हम 8:30 से 9 बजे के बीच वहाँ पहुँच जाएंगे, अभी ऑलमोस्ट 7:30 होने वाला है, सो चलिए चलते हैं। और ये हम घृष्णेश्वर की ओर जा रहे हैं, आपको थोड़ा आज का रास्ते का बता देते हैं। हम निकले अजंटा से, और अजंटा के बाद हम जा रहे हैं घृष्णेश्वर जो औरंगाबाद के पास है ज्योतिर्लिंग, इलोरा भी वहीं पर, घृष्णेश्वर टेम्पल भी वहीं पर, दोनों 1 किलोमीटर इधर उधर है। बीच में फुलबरी ऐसी कुछ एक जगह आएगी, बड़ा थोड़ा बड़ा शहर वही है, उसके बाद सीधा औरंगाबाद ही आएगा। अब औरंगाबाद से जो मेन रास्ता होगा अपना वापस जाने का, सो औरंगाबाद से हम निकलेंगे। आज गूगल कौन सा रास्ता दिखाएगा पता नहीं, आज जब मैंने सुबह चेक करा थोड़ा अलग दिखा रहा था। जो नॉर्मल रास्ता है जो हम पिछली 2-3 बार आए हैं वो तो है कि औरंगाबाद से निकलो और फिर क्या बोलते हैं उस्मानाबाद उसके बाहर से, हाँ धाराशिव के बाहर से आप निकल जाओ हाईवे से ही, और उसके बाद उधर चले जाओ क्या बोलते हैं तुलजापुर के पास, और तुलजापुर के पास फिर एक अंदर गांव की रोड आती है जो तुलजापुर से नलदुर्ग तक जाती है, और वो रोड आपको नलदुर्ग ले जाएगी। फिर नलदुर्ग के बाद तो फिर उमरगा आ जाएगा, महाराष्ट्र बॉर्डर के बाद आप कर्नाटका जाओगे, कर्नाटका में हुमानाबाद आ जाएगा, हुमानाबाद के बाद आप तेलंगाना एंटर कर लोगे थोड़ी देर में, वहाँ पर पहला बड़ा शहर ज़हीराबाद आएगा, फिर सदाशिवपेट आएगा, फिर संगारेड्डी आएगा, फिर पठानचेरू आएगा, फिर हैदराबाद अपना घर आ जाएगा। सो नॉर्मल रूट यही होता है, मुझे उम्मीद है आज भी यही होगा, बट जब मैंने सुबह देखा तो आज गूगल कुछ थोड़ा अलग सा बता रहा था, सो आगे देखते हैं, बट 99% यही होने वाला है।
और हम जा रहे हैं अभी कहाँ, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। और ये आप देख सकते हैं हम फुलंबरी के पास पहुँच गए हैं। फुलंबरी थोड़ा बड़ा शहर होने वाला था आज का रास्ते में, उसके बोर्ड भी दिख रहे हैं। अब यहाँ से एग्जैक्ट 40 किलोमीटर है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर, और अभी भी लगभग 50 मिनट लगेंगे बोल रहा है, बिकॉज रोड ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है। मतलब है तो डबल लेन बट छोटी है, ज़्यादा चौड़ी नहीं है, बट फिर भी पहले तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, अब थोड़ी बेटर हो रही है। चलिए चलते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है हरित फुलंबरी नगर पंचायत फुलंबरी। तो ये फुलंबरी में हम आ गए हैं, इसी के बोर्ड लगे थे काफ़ी पीछे से। इतना बड़ा शहर तो नहीं है बट इसके बोर्ड बहुत लगे थे, तो मुझे लगा शायद थोड़ा बड़ा शहर होगा, बट ठीक है। आई थिंक यहाँ से कोई रोड चेंज हो रही होगी या कुछ हो रहा होगा, इसलिए इसके काफ़ी पहले से बोर्ड दिख रहे थे। अब अपना घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का रास्ता कम ही रह गया, अब 33 किलोमीटर रह गया, और टाइम बता रहा है कि 41 मिनट और लगेंगे। महाराष्ट्र से निकल रहे हैं हम, जाएंगे ज्योतिर्लिंग पे, दर्शन करेंगे, उसके बाद कुछ नाश्ता करेंगे। हमने कुछ नहीं खाया है, दर्शन करने जाना है बोल के, सो दर्शन करके नाश्ता वाश्ता करके फिर वहाँ से नॉन स्टॉप हैदराबाद के लिए निकालेंगे। और ये आप देख सकते हो सामने के नज़ारे बड़े सुंदर हैं। अब हम ज़्यादा दूर नहीं, अब हम बस 15 किलोमीटर दूर हैं अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन से, टेम्पल से। वहाँ पर गाड़ी पार्क करेंगे, अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे और फिर बाहर आएंगे। ये टेम्पल की कुछ खास चीज़ें हैं, यहाँ पे दर्शन करने का एक ख़ास तरीका है, वो वहीं पे पहुँच के मैं आपको बताऊँगा। ये मैंने और किसी ज्योतिर्लिंग में ऐसा नहीं देखा, बट यहाँ एक अलग चीज़ करते हैं दर्शन के लिए, वो मैं आपको बताऊँगा। बट अभी रह गया है 20 मिनट का रास्ता 15 किलोमीटर, चलिए चलते हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। और ये आप देख सकते हैं अब हम मंदिर के काफ़ी पास हैं, मंदिर यहाँ से बस 4 किलोमीटर है, और ये मंदिर थोड़ा हल्के से पहाड़ पर है, तो यहाँ पे ये पहाड़ी वाला घाटी वाला रास्ता आता है। हमारे उसमें दिखा रहे हैं कि अब 7 मिनट लगेंगे और 4 किलोमीटर है यहाँ से मंदिर। अब मंदिर में पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा कुछ नहीं पता, जाके देखते हैं। सावन का महीना, भीड़ हो सकती है, नॉर्मली मिल जाती है, कभी हमें पार्किंग की दिक्कत हुई नहीं, मंदिर के सामने ही मिल जाती है, बट बिकॉज़ ये सावन का महीना है तो मुझे थोड़ा डाउट है, बट फिर भी देखते हैं, होपफुली मिल जाएगी और आराम से दर्शन हो जाएंगे। चलिए अब 5 मिनट में पार्किंग पर पहुँच के आपसे बात करते हैं। और ये आप देख सकते हैं इलोरा की पार्किंग तो आ गई है, ये इधर दिखाओ, ये है इलोरा की पार्किंग। इसमें तो जगह है बट ये मंदिर की नहीं है, इसमें तो काफ़ी जगह है अभी, हाँ ये तो खाली है। अब मंदिर देखते हैं, इलोरा सामने है, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे में मंदिर है, ये इलोरा है, आप देख सकते हैं इलोरा की एंट्री। कल हम अजंता गए, आपने स्कूल में पढ़ा होगा अजंता इलोरा, ये वही वाला इलोरा है। ये भी बहुत सुंदर है, यहाँ पर भी गुफाएँ हैं पुरानी पुरानी, हज़ारों साल पुरानी। बट हमें आज गुफाओं का नहीं, हमें बस टेंपल विज़िट करके जाना है, बिकॉज हम जल्दी में घर लौटना है आज अपने को, कल स्कूल ऑफिस सब कुछ है, तो हम तो सीधा मंदिर जा रहे हैं। पिछली एक दो बार जब भी हम मंदिर आए हैं तब हमने इलोरा घूमा है, इसलिए हमें पता है इसका, तो इतना कोई टेंशन है नहीं। यहाँ पे पहले जाके देखते हैं सरकारी पार्किंग, मतलब जो मंदिर के सामने वाली नॉर्मल पार्किंग है, अगर वो मिल जाए, अगर वो नहीं मिली तो फिर कोई प्राइवेट पार्किंग भी होती है इधर, एक बार मैंने करी थी, वो देखना पड़ेगा। चलिए दौड़ते हैं। ये मंदिर के सामने पार्किंग मिल गई है हमें, ये आप देख सकते हैं, ये जो मंदिरों का वो दिख रहा है, यहीं पे थोड़ा सा आगे में मेन मंदिर है, यहीं एकदम सामने ही है, सो पार्किंग तो मिल गई है। अब ये कैमरा वैमरा रख लेते हैं, अंदर कुछ अलाउड नहीं है, बस मोबाइल ले जाएंगे, वो भी बाहर रखना पड़ेगा, बट मोबाइल थोड़ा आगे तक वीडियो बनाएंगे तो मोबाइल ले जाएंगे, फोटो वोटो खींचेंगे मंदिर के पास। चलिए दर्शन करके आके फिर मिलते हैं। ये हम आ गए हैं आगे, ऑलमोस्ट 1.5-2 किलोमीटर आ गए हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से, अपने दर्शन हो गए, बहुत अच्छे हुए, थोड़ा टाइम लगा, ऑलमोस्ट कितना लगा, हम 8:30 एंट्री किया था हमने और हम 11:10 पे निकले हैं, तो आप लगा लो ऑलमोस्ट 3 घंटे, मतलब 3 घंटे में 10-20 मिनट कम लगा, बट लगभग 3 घंटे लग गए। दर्शन अच्छे से हुए, अभी हमें केले लेना है, तो केले ढूंढ रहे हैं, केले लेने के बाद आपको दर्शन का सिस्टम बताते हैं क्या है। अब हैदराबाद जाने के लिए क्या है, जैसे आप घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से बाहर निकलोगे 1.5 किलोमीटर चलोगे, उसके बाद ये कट आ जाएगा, हल्का सा आपको लेफ्ट मारना होता है और ये एक ऐसी रोड पे ले आता है, ये लगभग 1 किलोमीटर तक ये रोड बहुत ख़राब है, बट अच्छी बात ये है कि ये 1 किलोमीटर में आपको जोड़ देगी धूले वाली रोड पे, धूले क्या बोलते हैं, धूले सालापुर रोड, सोलापुर रोड आई थिंक ऐसे कुछ नाम है, बट धूले वाली सोलापुर है, धूले सोलापुर रोड पे जोड़ देगा और वो फिर सीधा
बहुत अच्छी है, वो हाईवे बहुत अच्छा है और वो आपको सीधा बाईपास करा देगा संभाजी, क्या नाम है बेबी, छत्रपति संभाजी नगर, हाँ छत्रपति संभाजी नगर पार करा देगा, मतलब पुराना औरंगाबाद पार करा देगा और फिर आप आगे अपने हैदराबाद के रास्ते में निकल जाएंगे। ये रास्ता बहुत खराब है, आप देख सकते हो ऐसे लग रहा है सामने तालाब है, गड्ढा नहीं बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, बट हमारी गाड़ी की ठीक ठाक है ग्राउंड क्लियरेंस। मतलब आज कर्नाटक पार्क में पड़ेगा, अभी पता नहीं, अभी देखते हैं आगे रूट पता लगेगा। अभी एक्चुअली रूट मैप मैंने पूरा ढंग से देखा नहीं है, नॉर्मल रूट में तो पड़ता है कर्नाटक, बट आज पता नहीं, आज कुछ और दिखा रहा है जब सुबह चेक किया था। चलिए ये पार करते हैं फिर हाईवे जोड़ते हैं फिर आपको दिखाते हैं। और ये हम वही 1 किलोमीटर के खराब रोड से निकल रहे हैं। अब क्या है कि ये रोड सही हो जाएगी आगे, बिकॉज आगे हाईवे है और हाईवे तो सही होगा मुझे उम्मीद है। ये करोड़ी के यहाँ जाके जुड़ता है हाईवे पे, बाप रे ये सामने देखो आप। अब यहाँ कहाँ गड्ढा होगा कुछ पता नहीं, सो एक काम करते हैं बाइक वाले के पीछे पीछे जाते हैं, बाइक वाला एक्सपीरियंस लग रहा है इस रोड पे, ये सही जगह से निकालेगा। चलिए निकाल लिया हमने और ये हाईवे आ गया। अब मुझे उम्मीद है कि हाईवे अच्छा होगा, डबल लेन होगा, गारंटी नहीं है बट बस उम्मीद है। आगे में तो अच्छा है, इधर भी अच्छा ही होगा। सही है सही है, चलिए निकल गए हम, चलते हैं। ये हम NH 52 पे आ गए और NH 52 काफ़ी सही है, आप देख सकते हैं सामने। ये अपने को काफ़ी दूर तक ले जाएगा, अभी मैंने पूरा रास्ता नहीं देखा बट अगर नॉर्मल रास्ता है जो हम हर बार लेते हैं तो ये अपने को लगभग तुलजापुर के आउटर तक ले जाता है और फिर तुलजापुर के आउटर पे जाके अपने को तुलजापुर नलदुर्ग रोड पकड़नी पड़ती है और वो फिर अपने को नलदुर्ग पे ले जाके NH 65 पे जोड़ती है जो हैदराबाद जाता है। अब नॉर्मल रूट यही है बट मुझे अभी पक्का पता नहीं है, मैंने अभी पूरा गूगल मैप मतलब खोल के देखा नहीं, बस मैंने लोकेशन लगाई, बहुत भीड़ भाड़ था, थोड़ा थक गया था तो मैं फटाफट वहाँ से निकल गया टेम्पल की पार्किंग से, मैंने पूरा रूट अभी चेक नहीं करा, थोड़ा आगे जाके चेक करके आपको मैं अच्छे से बताता हूँ रूट। वैसे आप देख सकते हो रोड बहुत सही है NH 52 और हम निकल रहे हैं और ये हम जा रहे हैं NH 52 से। और दर्शन का आपको हमने बताया नहीं, सो दर्शन का क्या सिस्टम है, यहाँ कोई स्पेशल VIP कुछ नहीं होता, कुछ टिकट विकेट नहीं होती, लाइन होती है एक। और लाइन क्या है, जब भी मैं इससे पहले आया था मेरा हमेशा 45 मिनट में दर्शन हो गया, आज पहली बार अपने को 2.5 से 3 घंटा लगभग लग गया और उसका कारण ये था कि सावन का महीना है तो बहुत भीड़ है, मतलब थोड़ा हम लेट भी हो गए, हमें आते आते 8:30 बज गया था। इससे पहले जब भी हम आए थे हम औरंगाबाद में रुकते थे और हम क्या करते थे सुबह सुबह आ जाते थे होटल में, ब्रेकफास्ट करने से पहले हम दर्शन करने आ जाते थे, मतलब लगा लो आप होटल से 6 बजे निकल के 7 बजे तक हम दर्शन के लिए आ जाते थे, फिर हम दर्शन कर लेते थे और फिर हम आगे मतलब अपना वापस होटल में जाके ब्रेकफास्ट कर लेते थे, बिकॉज 10:30 तक तो ब्रेकफास्ट मिलता है, तो हम ऐसा करते थे। तब हमारा दर्शन हमेशा 40 से 50 मिनट मैक्सिमम के अंदर हो गया, मतलब एक बार तो पहले जब सबसे पहली बार आए तब तो बहुत जल्दी हुआ था, तब तो 20 मिनट में हो गया था। तब सुबह आए थे हम दिसंबर के महीने में और 7 बजे से भी पहले आ गए थे, 5:30 बजे मंदिर खुल जाता है, सो आप कोशिश करो जितना पहले आ सकते हो आप आओ, दर्शन आराम से हो जाएंगे। हम थोड़ा लेट थे आज, हमें 8:30 बज गया, उस चक्कर में लगभग 3 घंटा अपने को लग गया दर्शन करने में, दर्शन अच्छे से हुआ। बस मेरे को एक चीज जो सही नहीं लगती यहाँ पे, क्या है कि यहाँ स्पेशल कुछ पैसे वाला दर्शन नहीं है, बट लोग क्या करते हैं बाहर जो सामान बेचने वाले होते हैं वो लोगों से 300-400 रुपए लेके लाइन में बीच बीच में घुसाते रहते हैं, वो मुझे सही नहीं लगा। इससे अच्छा मुझे लगता है जैसे श्रीशैलम है, श्रीशैलम भी एक ज्योतिर्लिंग है आंध्र प्रदेश में, आप जाओ वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि 300-500 रुपए का क्या है शीघ्र और अति शीघ्र एंट्री है, तो आप शीघ्र ले लो या अति शीघ्र ले लो या 150-150 रुपए का भी होता है, उसमें क्या होता है लाइन में आगे आगे आपको भेजते हैं, थोड़ा होता है वो सही है, मतलब या तो सीधे ही पैसे ले लो, इसमें ना ये पैसा ट्रस्ट के पास जाएगा, बाहर जो बंदा ले रहा है वो ले लेगा या उसके अंदर किसी के साथ सेटिंग होगी 1-2 लोगों के साथ तो उनमें बांट लेगा, तो ये पैसा कहीं किसी के यूज में नहीं जाएगा और पैसा भी ज्यादा है लोगों से, किसी से 300-500-600 जितना जिससे ले पाए उतना लेने की वो कोशिश करता है। और अनाउंस भी कर रहे थे ना, और क्लियरली अनाउंस कर रहे थे कि कोई स्पेशल दर्शन नहीं है कुछ नहीं, किसी को पैसे मत दो, बट फिर भी लोगों को होता है और लोग बीच में भी घुस रहे थे, वो घुसा रहे थे तो दोनों तरफ से गलत लगा मुझे कि बीच में घुसाना भी गलत है इस, और ट्रस्ट के पास भी पैसा नहीं जा रहा है, इससे अच्छा ट्रस्ट वाले ही सीधा 500 रुपए ले ले और एक अलग लाइन बना के दर्शन करा दो जैसे कई और मंदिरों में होता है, और उस पैसे से जो है 3-4 लोगों को लाइन मैनेज करने के लिए लगाओ, लाइन मैनेज करने के लिए कोई था ही नहीं बाहर, बहुत दूर तक कोई नहीं था जिसके चक्कर में लोग बीच बीच में घुस रहे थे, अंदर सही है, एक बार आप अंदर घुस गए फिर लोग नहीं घुस पाते और अंदर बीच बीच में 2-3 जगह लोग भी खड़े होते हैं, बट हाँ बाहर का ये था, बट
चलिए जब तक थोड़ी कठिनाई ना हो तब तक भगवान के दर्शन का फल ही क्या, तो कोई नहीं, अपने को लगा 2-2.5 घंटा सबसे ज्यादा लगा आज तक का, बट दर्शन अच्छे से हो गए। यहाँ बहुत अच्छी बात यह है कि शिवलिंग को आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, छू के आशीर्वाद ले सकते हो, और यहाँ पे जो भी मर्द लोग होते हैं मतलब मेल्स होते हैं उन सबको अपना वो उतारना पड़ता है ऊपर का, मतलब बनियान और शर्ट उतारना पड़ता है। चलिए हमारा दर्शन हो गया, चलते हैं। वो उधर दूर में बहुत अच्छा किला दिख रहा है, फोर्ट दिख रहा है कोई, उसके ऊपर कोई सीढ़ी जाने का रास्ता है, कोई मंदिर सा बना हुआ है, झंडा दिख रहा है, वो जो मराठा लोगों का झंडा होता था सैफरों कलर का, भैरवे रंग का, वो दिख रहा है वहाँ पे, काफ़ी सही लग रहा है। ये दिखाने के लिए हम रुके थे यहीं पे अपनी गाड़ी, चलिए चलते आगे। आज ये हमारे बहुत सारे काम है, हमें डीजल भराना है, डीजल एकदम लास्ट पे है, मतलब 100 किलोमीटर चल जाएगा, कैश निकालना है, बिल्कुल कैश नहीं, बस 100 रुपये वॉलेट में, और फ्रूट्स खाने, फ्रूट्स लेने जहाँ मिलेंगे मुझे, यहाँ लास्ट टाइम मौसमी ले गया था, बहुत सही थी वो मौसमी, तो मौसमी मिलेगी तो 8 किलो ले जाऊँगा इस बार, पिछली बार 4 किलो ले गया था 100 रुपये ही, बहुत मज़ा आया था, दो दिन जूस पीने के लिए हो गया था ये दिन। मौसमी लेना है और भी कोई फ्रूट्स मिलेंगे तो फ्रूट्स भी लेने, तो और लंच करना, मेन काम तो है लंच करना है, और लंच अब उम्मीद है बिकॉज हम महाराष्ट्र में, तो कोशिश रहेगी कि मटन भाकरी खाया जाए, अब हमारा दर्शन वर्शन हो गया सब बढ़िया से, तो अब हम खा के जाएंगे। बीवी का तो आज फास्ट है, बीवी खाएगी नहीं, बस बीवी और मैंने खाना है, तो हम सोच रहे हैं मटन भाकरी या कुछ ऐसे मिलेगा तो खाएंगे, खर्चा भी कम आएगा। एक होटल मुझे याद है, केकड़ा होटल, हाँ सूर्या, बट वो पता नहीं अभी होगा या नहीं होगा, पिछली बार वो नया बन रहा था और हमने रुक के खाया था, खाना अच्छा था, बट वो थोड़ा दूर है, वो यहाँ से कम 3-3.5 घंटा दूर है, तो अब वो भी देखना पड़ेगा कि वहाँ तक रुक पाते हैं या नहीं, ऑलरेडी 12 बज गए हैं, देखते हैं कुछ करेंगे, बट हाँ इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ। और ये आप सामने देख सकते हो, हम निकल रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर के आउटर से, मतलब पुराना नाम औरंगाबाद, उस शहर के बाहर से हम निकल रहे हैं, और आप देख सकते हो बहुत अच्छा बसा हुआ शहर है ये, और ये काफ़ी मतलब महाराष्ट्र के बड़े शहरों में आता है, और यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े बड़े होटल्स मिल जाएंगे, बिकॉज यहाँ क्या है, यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं अजंता एलोरा की वजह से, और फॉरेनर्स बहुत आते हैं, काफ़ी लोग टेंपल के लिए भी आते हैं, बट टेंपल के लिए ऑब्वियसली फॉरेनर्स नहीं आते, फॉरेनर्स ज़्यादातर आते हैं अजंता एलोरा जाने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे बहुत जितने भी बड़े होटल चेन्स हैं आपको सबके होटल मिल जाएंगे, ताज का है, ITC का है, कोटियार्ड का है, मतलब जितना लेमन ट्री है, अब जितने बड़े चेन्स नाम लोगे जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं लगभग सबके होटल इधर हैं, तो हम भी आएंगे दोबारा फिर कभी। इस बार हमारी ट्रिप प्लान ऐसे हुई थी कि अजंता में टाइम बिताएं और यहाँ से बस निकलते हुए जाएं। और ये आप देख सकते हैं हम नेशनल हाईवे 52 से निकल रहे हैं, ये जाएगा सोलापुर की साइड, बट हम पूरा सोलापुर तक नहीं जाएंगे इसमें, हम उससे थोड़ा पहले तुलजापुर के लिए एक लेफ्ट मार लेंगे, बट आप देख सकते हो यहाँ पे औरंगाबाद का शहर है ये, इसका ये अच्छा है कि हमें औरंगाबाद शहर अंदर से नहीं आ रहा होता, ये हाईवे अपने को बाहर बाहर से बाईपास करा देता है, और आप देख सकते हो अभी एग्जैक्टली वही हो रहा है, आप देखोगे तो हमारे राइट में जंगल और पहाड़ है और हमारे लेफ्ट में शहर है, तो मतलब ये शहर का एकदम कोना है, आखिरी कोना जिससे हम निकल रहे हैं, औरंगाबाद शहर का आखिरी कोना, और हम जा रहे हैं आगे, अभी हम जा रहे हैं सोलापुर की ओर, बट हम सोलापुर तक नहीं जाएंगे, अगला बड़ा शहर इस रास्ते में जो आएगा, पहले उस्मानाबाद बोलते थे उसको, आजकल उसका नाम है धाराशिव, तो धाराशिव एक थोड़ा बड़ा शहर आएगा, बट वो भी बाईपास आएगा, शहर के अंदर तो अपने को नहीं जाना, अदरवाइज सीधा फिर तुलजापुर वाला कट आ जाएगा। 40 रुपये ये मौसमी है, जूस पीने रुके हैं अब, लास्ट टाइम ये हम ले गए थे बड़ा सही था, 100 रुपये का 4 किलो था, बट अभी भैया ने बोला 60 रुपये किलो है, ये सीज़न नहीं है इसका, पिछली बार हम मार्च में आए थे तब हमें काफ़ी सही मिल गया था, और यहाँ पे ये होता है जूस निकालने वाला, हाथ से ऐसे घुमा घुमा के निकालते हैं, जैसे दिल्ली में भी ऐसे ही निकालते हैं ऐसे ऐसे करके इसको, ये है, अभी पियेंगे फिर चलेंगे। ये हम जूस पीने रुके हैं, और इधर एक्चुअली पीछे मौसमी का फार्म है, बट ये अभी रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, हरा है, ये देखो आप, ये मौसमी का फार्म है, इन्होंने वही बोला कि सीज़न में तो यहाँ पे 100 का 4 किलो 5 किलो ही बिकता है जो हमने लिया था, बट अभी ये सीज़न नहीं है, खुद कहीं बाहर से लाए हैं, मतलब ये इस फार्म का नहीं है बिकॉज अभी ये रेडी नहीं हुआ। चलिए ये सामने है, वाइफ खड़ी है, पीते हैं फिर चलते हैं। ये ऐसे बनता है, ये हैदराबाद में ये नहीं होता, और कुछ और तरीके से निकालते हैं, दिल्ली में ऐसे ही निकालते हैं, दिल्ली में जब हम पीते थे तो ऐसे ही करते थे, पार्क के किनारे वगैरह में होता था,
वहाँ जाओ, मस्त खेलो और फिर पियो। ये इधर गन्ने के जूस के लिए गन्ना रखा है और ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज ये बहुत मोटा है। ये देखो आप कितना मोटा है, ये लग रहा है एक से ही, एक के आधे से ही 5-10 गिलास बन जाता हुआ, बहुत मोटा है। जो मैंने दिल्ली साइड देखा है उधर देखा है वो इतने मोटे नहीं होते यूपी साइड। और ये है भी थोड़ा काला वाला गन्ना है, शायद पहाड़ी गन्ना, वहाँ पहाड़ में होता है ऐसा काला गन्ना। और ये हमने जूस पी लिया और हम आ गए। वो भैया जो था उसने बड़ा अच्छे से समझाया अपने को। अभी क्या उसने बोला, अभी सीज़न नहीं है। उसने बोला सीज़न में हम भी 100 के 500 के 4 किलो बेचते हैं, बट अभी सीज़न नहीं है। सीज़न शुरू होगा लगभग 1 महीने बाद और फिर 3-4 महीने अच्छे से चलेगा। और उसने ये बताया कि अभी जो मौसमी है जो पीली पीली दिख रही है आपको दुकानों में, मतलब उसकी भी दुकान में और आगे भी, वो क्या करता है अभी इस टाइम पे मौसमी नेचुरली पीली नहीं होती, हरी होती है, कच्ची होती है। उसमें जैसे आम को पकाया जाता है थोड़ा कार्बाइड डाल के या एथिलीन डाल के, ये भी इसी तरह पीली करते हैं। जैसे यहाँ पे था बहुत पीला पीला था, आगे कहीं दिखेगा तो हम दिखाएंगे। सो अभी वो ऐसे करके उसको पकाते हैं बिकॉज वो कहता है अगर कस्टमर पीला नहीं देखता तो जूस नहीं पीता। कस्टमर को लगता है बेकार है हरे हरे देख के, तो उन्हें पीला करना पड़ता है। बिना पीला करे दो वो टेस्ट कुछ भी नहीं करता। मतलब टेस्ट क्या होता है, टेस्ट कच्ची मौसमी का ही रहेगा, उसने यही समझाया। बिकॉज उसने बोला था चीनी डालू मसाला डालू, हमने सब मना करा, हम प्योर पीते हैं बिना कुछ डाले। तो हमने कहा कुछ मत डाल भाई, ऐसे ही दे। तो उसने जब दिया तो उसने यही समझाया कि अभी ये थोड़ा उतना मज़ेदार नहीं होगा, थोड़ा खट्टा खट्टा होगा बिकॉज इसका सीज़न नहीं है ढंग से और ये ढंग से पका नहीं है। कहना देखने में आपको पीला दिख रहा होगा ये, बट ये पेड़ पे नहीं पका। कहता जब पेड़ पे पक के पीला आता है तब ये बहुत मज़ेदार होता है। और वो सही कह रहा है बिकॉज वो हमने पिछली बार पिया था और वो बहुत अच्छा जूस था, इतना अच्छा लगा था कि वही देख के हम 4 किलो फिर खरीद के ले गए थे। मतलब वही पीने के बाद इतना अच्छा लगा था, हमारे घर पे भी जूसर पड़ा था, हमने कहा घर पे निकाल लेंगे। आज भी प्लान था लेने का बट अब वो प्लान हो गया कैंसिल, तो अब हम मौसमी नहीं खरीद रहे बिकॉज कोई पॉइंट नहीं है। एक तो 50-60 रुपये किलो है, इतनी की तो हैदराबाद में मिल जाती है सुपर मार्केट में, आई थिंक 70 रुपये की लाता हूँ मैं जो रतनदीप से लाता हूँ, तो उतने की वहीं मिल जाती है और वो इससे ठीक ही होती है। और ये भी कह रहे हैं कि हम कहीं और से लाते हैं, अभी हमारे खेत का नहीं है। बिकॉज कह रहे हैं अभी बस एक दो किसान हैं जिनके खेत में रेडी हुआ है, अभी 1 महीने बाद आप आओगे तो बहुत सारे किसानों के खेत में रेडी हो जाएगा, तो मिलेगी भी सस्ती और मिलेगी भी अच्छी पकी हुई। चलिए इस संभाजी नगर से हम जा रहे हैं धाराशिव की ओर, मतलब पुराना नाम औरंगाबाद से उस्मानाबाद की ओर। हाईवे बहुत बढ़िया, नज़ारे बहुत बढ़िया, पहाड़ इतना सुंदर है, इस पे चढ़ने पे मज़ा आएगा शायद, बट मैं ट्राई नहीं करूँगा। मैंने एक बार ट्राई किया था, मेरे पैर काम गए थे मेरे को देखने में बड़ा मज़ा आया था, बट एक दिन वहाँ जा रहे थे हम भीमा शंकर जा रहे थे, तब मैंने ट्राई किया तो पैर काँप गए। वाइफ और बेटा तो चढ़ गए थे, मैं नहीं चढ़ पाया था। चलिए चलते हैं आगे। और टोल प्लाजा आ गया, आज का पहला ही है शायद ये। हाँ पहला है ना बेबी? हाँ बिकॉज उस रास्ते में था नहीं, मतलब अजंता से कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में नहीं था। यहाँ पे है 110 रुपये का टोल है गाड़ी का, दिख गया मुझे वन वे का। यहाँ कोई फ्रूट वाला होगा तो खीरा वीरा खा लेंगे। आंटी लोग क्या ले रहे हैं? अच्छा नहीं, ये तो बेचारे काम करने वाले हैं। कई बार ऐसे महाराष्ट्र के टोलों में फ्रूट्स और खीरे वीरे अच्छे मिल जाते हैं, बट आज कोई दिख नहीं रहा मुझे। नहीं आज कोई भी नहीं है बेचने वाला चलिए पार करते हैं, निकलते हैं। शिव मतलब उस्मानाबाद पुराना नाम, 193 किलोमीटर, सोलापुर 260। अब क्या है कि अपने को पूरा सोलापुर तक नहीं जाना, सोलापुर से लगभग 40 किलोमीटर पहले हम तुलजापुर के लिए एक लेफ्ट मार लेंगे। सो 260 तो नहीं, लगभग लगा लीजिए 200-220 किलोमीटर अभी अपने को इसी रोड पे जाना है। कंपनी ओन्ड पंप है, चालू है या नहीं पता नहीं, बोर्ड लगा था पीछे, चालू है। चलिए CNG भी है यहाँ, चलिए भराते हैं फिर चलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जर भी है और ये डीजल डलवा लिया मैंने, ये कंपनी ओन्ड पंप नहीं था। मैंने पूछा बाद में बंदे से तो उसने बोला डीलर वाला है। मैंने बोला यार पीछे बोर्ड लगा था कंपनी ओन्ड पंप का, तो उसने बोला इस रास्ते में नहीं है।
तो फिर शायद नहीं होगा, मुझे बोर्ड तो दिखा था, उस पर लिखा था कंपनी ओन पंप, बट चलिए जो भी है हमने 2500 का भरा लिया, ये अपने को आराम से कर्नाटका पहुंचा देगा। और कर्नाटका में पहुंच के फिर हम थोड़ा सा वहां पे एक कंपनी ओन पंप आता है बसवा कल्याण में, मैंने पहले बहुत बार भराया, तो वहां अपना टैंक फुल करा लेंगे तो हैदराबाद तक के लिए भी चल जाएगा, और हैदराबाद से एक दो दिन दो चार दिन ऑफिस आने जाने का भी काम अपना उसी डीजल से हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। हमने कोई इंडस्ट्री है, बहुत धुआं फेंक रही है, पता नहीं किस चीज़ की इंडस्ट्री है इधर। इस पूरे रास्ते में इतना कोई खास हमें दिखा नहीं था, ऐसा कोई बड़ा फैक्ट्री ये पहला दिख रहा है, और ये अभी एकदम काम चल रहा है इसमें, बिकॉज ये बहुत धुआं फेंक रहा है। पता नहीं जो भी है किस चीज़ का है पता नहीं, बट बहुत काला काला धुआं फेंक रहा है, बिकॉज बाकी आप देखो पूरा आसमान साफ है, मतलब कहीं कुछ वो नहीं दिख रहा, वो काला काला धुआं फेंक रहा है एकदम अलग से पता लग रहा है। चलिए अभी भी लंबा रास्ता, 8 घंटे का रास्ता रह गया है, दिन के बज गए हैं 1, शायद 9 बजे तक घर पहुंचे, 460 और किलोमीटर रह गए हैं हैदराबाद पहुंचे। और ये हम गोदावरी नदी पार करने वाले हैं, तो हमने पहले कैमरा निकाल लिया है कि हम आपको दिखा पाएं। गोदावरी नदी अब यहीं पे दिखा रहा है, बट अपने को तो दिख नहीं रहा, अच्छा ये छोटी सी एक्चुअली है कि जितनी आगे जाती है उतनी बड़ी होती है, बिकॉज इसमें और बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं, तो अभी ये थोड़ी छोटी है इसलिए ऐसी दिख रही है, बड़े आगे बहुत बड़ी हो जाती है और बहुत सुंदर लगती है। बट हाँ, गोदावरी पार करते हुए जा रहे हैं हम आगे, और ये आप देख सकते हैं इस होटल का नाम है होटल डिसेंट फैमिली एंड जूस, आगे कुछ तुलजा भवानी नॉन वेज भी लिखा है, बट ये होटल तुलजा भवानी तो बंद है वेज नॉन वेज वाला, बट ये होटल डिसेंट देख के मुझे याद आया कि क्या बोलते हैं, ये उस मूवी में था जब वी मेट में, हाँ जब वी मेट में जिस होटल में जाते हैं क्या कपूर है वो शाहिद कपूर और करीना कपूर, नहीं करीना कपूर शाहिद क्या है, अच्छा दोनों का पूरी है, हाँ राइट शाहिद कपूर और करीना कपूर उनकी मूवी में जिस होटल में वो जाते हैं वो होता है होटल डिसेंट। सो चलिए होटल डिसेंट पार करके चल रहे हैं। अब लंच करना था हमें, बट कहीं नॉनवेज वाला कोई अच्छा होटल खुला मिला नहीं अभी तक, सावन का महीना है शायद इसलिए बंद हो, पता नहीं देखते हैं, साउथ में तो मिलता है बट ये महाराष्ट्र है तो शायद ना मिले, देखते हैं, कुछ नहीं मिलेगा तो फिर अब जो मिलेगा खा लेंगे। ये मौसमी के फार्म है, ये अभी जस्ट लगना शुरू हुआ है, मतलब पौधे अभी बड़े होने शुरू हुए हैं। यहाँ पे कोई नदी दिखा रहा था विद्रूपा नदी, मैप में तो ऐसे दिखाया कि बहुत कोई बड़ी नदी होगी, बढ़िया तो छोटा सा कुछ वो है और पानी भी नहीं है विद्रूपा नदी लिखा था यहाँ पे, इसलिए मैंने गाड़ी स्लो करी कैमरा बाहर निकाला, बट चलिए नज़ारे बढ़िया है। सामने आगे में बोर्ड दिख रहा है, और ये किधर का बोर्ड है सामने दिखा रहा वो रोड की तरफ, ये बोल रहा है कि यहाँ से योराई 2 किलोमीटर है, बीड 31 किलोमीटर है, तुलजापुर 187 है, बीड की साइड अपने को नहीं जाना, तुलजापुर की तरफ जाना है अपने को, तो वो 167 है, सॉरी 167 तुलजापुर। चलिए चलते हैं। ये बेबी और मैं बैठे लंच का वेट कर रहे हैं, हमने एक मटन थाली बनाई है, हम दोनों बाप बेटे शेयर करेंगे, वाइफ का तो फास्ट है, ये एक्चुअली है क्या, ये महाराष्ट्र में खाने के लिए जहाँ भी नॉनवेज होता है मोस्टली वो बियर रूम या पता नहीं क्या बोलते हैं परमिट रूम वहाँ होता है, सो उनमें क्या करते हैं कि ऐसा छोटा सा फैमिली के लिए अलग बना देते हैं कि अगर कोई फैमिली वाला आए तो यहाँ पे बैठ के खा सकता है, अदरवाइज बाहर उनका दारू वारू का सिस्टम होता है। सो हम यहाँ बैठ गए हैं, ऑर्डर दे दिया हमने एक मटन थाली का, वो जो ढाबा है जहाँ हम खाना चाहते हैं केकड़े वाला वो थोड़ा दूर है, तुलजापुर पे है वो, तो तब तक शायद दोबारा भूख लग जाएगी तो वहाँ पे एक केकड़ा भी खा लेंगे दोबारा। अभी यहाँ पे मटन भाकरी बोला है हमने, बेबी खाएगा ना मटन भाकरी और ये हमारा मटन थाली आ गया है, आप देख सकते हैं मटन करी है, ये मटन कुछ दो अलग अलग तरीके का मटन है, और ये वो है शायद प्रॉन्स का, हाँ सूखे हुए प्रॉन्स का चटनी, ये हमने वहाँ पे भी खाया था जब हम गोवा जा रहे थे, और ये थोड़ा सा राइस है और इसके साथ भाकरी भी आएगा, सो भाकरी खाएंगे अभी हम, भाकरी का वेट कर रहे हैं, तब तक ये थोड़ा सा राइस खा लेते हैं और ये स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत मज़ेदार है, ये हमने खाया राइस के साथ, थोड़ा सा राइस दिया था एक कटोरी, ये हमने खाया बहुत अच्छा है, ये वो है अगर आप लोगों ने नहीं देखा हमारा गोवा सीरीज तो गोवा में भी मिला था, ये सूखे हुए प्रॉन्स का थोड़ा चटनी टाइप बनाया है, नमक मिर्च मार के, ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मज़ा आया है, और भाकरी भी आ गई, धन्यवाद। और ये हमारी भाकरी आ गई है,
आप देख सकते हो, ये है भाकरी, बड़ी अच्छी लग रही है ऐसे, वो सेसमी सीड्स भी डाले हैं, बड़े अच्छे से बनाया है ये। अच्छा ये तंदूरी में बनाया है शायद, बिकॉज हाँ ये, बट इसलिए ये थोड़ा अलग सा लग रहा है, ये पीट पीट के बनाया वाला नहीं लगा, ये क्रंची जो है ये तंदूर का है। बट ठीक है, कोई नई चीज़ है, हमने हमेशा पीट के खाने वाला खाया, आज ये तंदूर वाला। ये आटा भी प्योर लग रहा है। हाँ ये लग तो प्योर आटा रहा है भाकरी का, बट ये बनाया तंदूर पे। अभी हमने दोनों ट्राई किया, दोनों बहुत मज़ेदार है, मुझे थोड़ा पक्का देखिए ये चावल के साथ ज़्यादा मज़ा आया। हाँ एक भाकरी दे, और ये थोड़ा थिक वाला गाढ़ा ग्रेवी है, ये भाकरी के साथ मज़ा आया। और इसमें वो भी था, क्या बोलते हैं, देसी स्टाइल का, ये मतलब स्किन वगैरह के पीसेस भी थे, बहुत बेबी कैसा लगा? अच्छा बेबी ज़रा अच्छा लगा, काफ़ी दिन बाद उसे मिला है, खुश है। और हो गया अपना लंच, बहुत मज़ा आया, देख सकते हो खाली हो गया सब, रोटी सब्जी सब खा लिया हमने। ये सूप दिया था, शुरू में हमने इतना दिया था, शुरू में हम रोटी खाने मस्त हो गए, तो लास्ट में मैंने बेबी को एक कटोरी दिया, मैंने एक कटोरी लिया। ये हड्डियों का सूप लग रहा है मटन की, सही है, मौसम भी हल्का ठंडा, मज़ा आ रहा है। इधर रुके थे हम खाने, होटल सहारा बियर बार वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट, नॉन वेज काफ़ी अच्छा था, हमने मटन भाकरी खाया, मटन थाली खाया, काफ़ी सही था। 350 रुपीज़ अपना बिल आया, 350 का थाली था, और उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया, हमने 3 या 4 भाकरी खाई थी। मैंने पूछा था कि एक थाली में कितनी भाकरी आती है, कि एक थाली में कितनी भाकरी आती है, उसने बोला था वैसे 3 आती है, बट एक आध एक्स्ट्रा भी खा लोगे तो कोई नहीं, तो उसने एक्स्ट्रा नहीं लिए, वही हमारा अपना हो गया 350 में। बेबी कैसा रहा? अच्छा मज़ा आया। बेबी वेट कर रहा था इतने दिनों से अच्छा मटन खाने का, कैसा लगा महाराष्ट्र का मटन भाकरी? अच्छा लगा। चलिए अब इसको बोलते हैं बाय बाय होटल सहारा को, ये अच्छी जगह, आप खा सकते हो, बियर बार टाइप है, बट साइड में फैमिली का है बैठने का, तो ठीक है, खाना तो अच्छा है नो डाउट। आज का एक और टोल प्लाजा आ गया है, आज अभी ज़्यादा टोल प्लाजा आए नहीं है, बिकॉज सुबह हम क्या बोलते हैं स्टेट की रोड से ही निकले थे, बस ये घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद हाईवे जो आया है वहाँ से टोल प्लाजा आने शुरू हुए, वो भी शुरू में तो औरंगाबाद शहर ही बाईपास कर रहे थे, वहाँ कुछ आया नहीं। और ये है पडल सिंगी टोल प्लाजा है ये, जिस पे हम जा रहे हैं, यहाँ एक लेन खाली हुई है उस पे जाते हैं। आज के दिन का पहला हैदराबाद का बोर्ड आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ से लिखा है 444 4444 किलोमीटर हैदराबाद 444 थोड़ा मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया, सॉरी 444 444 किलोमीटर है यहाँ से हैदराबाद। हमारा घर थोड़ा कम है, बिकॉज हमारा घर क्या है वेस्ट साइड में ही है, थोड़ा हैदराबाद के आउटर पे, तो हमारा घर है 417 किलोमीटर। चलिए चलते हैं। और ये आप नज़ारे देखो कितने सही हैं, हरे भरे पहाड़ हैं, सीधा सीधा हम चलते जा रहे हैं। अभी भी तुलजापुर आई थिंक 120-130 किलोमीटर हो गए, हाँ आया ना सोलापुर 187 है, सो लगा लीजिए सोलापुर से 30-40 पहले होगा तुलजापुर, 130-140 के आसपास होगा। वहाँ जाके अपने को ये हाईवे छोड़ देना है, और वहाँ से फिर अपने को छोटी रोड पकड़नी है नलदुर्ग वाली, और फिर नलदुर्ग के बाद तो दोबारा NH-65 मिल ही जाएगा सोलापुर से जो आ रहा होगा। वैसे ये रोड भी जाके सोलापुर ख़त्म होती है, सोलापुर जाके भी 65 पकड़ सकते हैं, बट कोई पॉइंट नहीं है, हम बीच से थोड़ा 2 घंटा बचा लेंगे निकल के। चलिए सुंदर सुंदर नज़ारे इंजॉय करते हुए निकलते हैं। और जैसे कि महाराष्ट्र में होता है जनरली 2-3 बार दिन में पुलिस वाले रोक लेते हैं, तो हमें रोक लिया पीछे। एक्चुअली उसका मेन क्या था वो पुलिस वाले का, कि उसको वो चेक करना था कि हमारा चालान है या नहीं, तो उसने रोका, सिस्टम पे डाला, कुछ नहीं आया। फिर इधर साइड में आए, खिड़की मैंने खोली, उन्होंने पूछा लाइसेंस पॉल्यूशन है, मैंने बोला हाँ सब है, निकालूँ क्या, बोला नहीं जाओ, तो हम निकल गए। तो 2-3 मिनट लगे, बट कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, हम आगे जा रहे हैं। देख सकते हैं आप रोड अभी भी मज़ेदार है। एक्चुअली वो पुलिस वाले एकदम से दिखे नहीं, थोड़ा पास आके दिखे, इसलिए हम वीडियो बनाना रह गया। बट हाँ महाराष्ट्र में रोकते हैं, डॉक्यूमेंट हमेशा पूरे लेके चले, स्पीड लिमिट के अंदर चले। HR-55 है ये, HR-55 हरियाणा का नंबर है, और बहुत आपको ये दिखेंगे उधर हीरो होंडा की बड़ी फैक्ट्री भी है, तो वहाँ से काफ़ी ट्रक इधर उधर चलते हैं। ये तो हीरो होंडा का नहीं होगा, ये बाइक वाला नहीं है, नॉर्मल है, बट इसमें बड़ी सही सही बातें लिखी हैं। जैसे पहला है जानम समझा करो, जानम पहले थे दिल के
नहीं नहीं तुम गलत कर रहे हो। अच्छा हाँ, सबसे ऊपर लिखा है जानम समझा करो, फिर लिखा है पहले थे दीवाने अब लगे कमाने, क्या बात है। लास्ट लिखा है दिल ले गया छोरा कश्यप का, ये कश्यप का ट्रक होगा, कश्यप होगा ये बंदा जो ट्रक ओन करता है। बड़ा सही लिखा है, ये नॉर्थ के ट्रकों में होता है ये लिखा हुआ, ऐसा हमने बहुत बार देखा है। साउथ के में भी होता होगा बट शायद अपने को पढ़ना नहीं आता तो हम पढ़ नहीं पाते, बट ये है। बड़ा सही, इतनी सही लग रही है आप। यहाँ देखो क्या पहाड़ है, ये इसके ऊपर रोड बनाई हुई है, ये कुछ नहीं आप देखो, ना घर है ना कुछ है, ना इंसान है, ना कोई कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ना कुछ घर दिख रहा है, बस खाली पहाड़, उसमें पेड़ पौधे हरे हरे। गाय भैंस दिख रही है थोड़ी बहुत, हाँ चरने गए, कितने मजे से चर रहे हैं, क्या मजा आ रहा होगा, हवा लग रही होगी, वैली है पूरा, अति सुंदर। ये छोटा सा स्ट्रेच आता है अच्छे व्यू का, और यहाँ आगे पहाड़ काट के रोड बनाई है तो अब व्यू खत्म। चलिए देख सकते हो सामने ये रोड है, ये दो पहाड़ों को काट के रोड बनाई गई है, क्लियरली पता लग रहा है। और ये पहाड़ क्या है, यहाँ पत्थर गिरते रहते हैं तो जाली लगाई हुई है, अगर आप ध्यान से देखोगे, पता नहीं हमारा कैमरा कितना क्लियरली दिखा रहा है आपको, बट हाँ बहुत मोटी जाली लगाई हुई है, थोड़ा बहुत तो रोक ही लेता होगा, एटलीस्ट रास्ता बंद नहीं होता होगा, बट ये यही है बिकॉज ये पहाड़ काट के बनाया है। और ये वो वाले जैसे कई पहाड़ होते हैं जिनमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इसमें आई थिंक छोटे छोटे पत्थरों का वो है, इसलिए ये टूट के गिर सकता है, मिट्टी है बीच में इसलिए ये कवर मारा हुआ है, बट रोड अच्छी बनाई है, रोड बहुत सही है। चलिए चलते हैं, जैसे हम कैमरा बंद करते हैं फिर आ जाते हैं। बड़ा सही लगता है मुझे, खाली खाली रोड है और इसमें इस यहाँ गाड़ी चलाने में मज़ा आता है। यही एक कहानी है, एक बार हम यूपी जा रहे थे, मतलब यूपी में उधर जा रहे थे हम, क्या बोलते हैं, एक हमने नेपाल ट्रिप करी थी तो हम जा रहे थे इधर प्रयागराज से नेपाल जा रहे थे, और वहाँ अयोध्या के होते हुए रास्ता था, तो अयोध्या तक रास्ता अच्छा था, उसके बाद कोई अंदर गांव वाँव की रोड से निकाल रहा था, ये गांव के मैं नाम भी भूल गया क्या थे, बट लास्ट में डुमरियागंज इथनिया ठोक ये सब आया था लास्ट में, उससे पहले क्या था वो तो मैं जगह भी भूल गया, अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा। गोंडा से थोड़ा 20-30 किलोमीटर की रेंज में था, सो वहाँ ऐसा था, ठंड का मौसम था, पीपी आ रहा था, और जहाँ हम छोटी रोड से ही रहते बट इतनी, मतलब उस रोड में मुझे लगभग 2 घंटे तक कहीं पीपी करने के लिए जगह नहीं मिली, बिकॉज गांव आए फिर गांव आ जाए फिर गांव आ जाए, मतलब खेत गांव। वो मतलब वहाँ से पता लगता है कि वहाँ पॉपुलेशन बहुत है, आबादी बहुत है यूपी की, मतलब उसे मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम होता होगा, ये मारा जा सकता है, बहुत लोग हैं। ऐसा मेरे साथ बस यूपी में ही हुआ है और कहीं नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में भी ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश में भी खाली खाली एरिया बहुत आता है, महाराष्ट्र में भी खाली खाली एरिया आता है, आप सामने देख रहे हो महाराष्ट्र से निकल रहे हैं, और कोई ऐसा स्टेट मुझे याद नहीं, थोड़ा बंगाल में भी ऐसा हुआ था सिलीगुड़ी के आसपास, बट वो भी इतना नहीं था। यूपी में तो लगभग 3 घंटे तक मुझे याद है कहीं मुझे पीपी करने के लिए ना जंगल ना खेत, ना मतलब खेत थे बट वो जैसे घरों के बीच में थे, इसलिए मुझे अभी भी वो ध्यान आता है। ये जब भी मैं नज़ारे देखता हूँ तो मुझे वही बात याद आती है कि मैंने तब वहाँ पे भी गाड़ी चलाई थी और वहाँ इतने लोग थे और यहाँ इतना मतलब खाली एरिया है। हम आ गए हैं महाराष्ट्र के परगांव टोल प्लाजा पे, यहाँ पे फ्रूट्स मिलते थे बट आज नहीं है। एक्चुअली इससे पहले एक जगह आती है जहाँ काफ़ी अंगूर आम काफ़ी चीज़ें मिलती थी, बट आई थिंक अभी ये बारिश का सीज़न है तो कुछ भी नहीं मिल रहा। चलिए आगे कुछ फ्रूट्स मिलेंगे तो थोड़े ले लेंगे, अगर गूगल पे होगा तो, हमारा कैश ख़त्म है 100 रुपये, हम 100 रुपये पे चल रहे हैं सुबह से, मंदिर के वहाँ थोड़ा सामान वामान लेने के बाद 100 रुपये बचे थे हमारे पास वॉलेट में, मतलब सुबह भी ज़्यादा नहीं थे 300-400 थे, वही 100 रुपये बचा हुआ उसी के साथ हम चले जा रहे हैं। चलिए हम सुबह से चल चुके हैं 324 किलोमीटर्स, और अभी हम हैं धाराशिव के पास है, अभी धाराशिव 20-25 किलोमीटर में आ जाएगा आई थिंक, और ये जो रोड जा रहे हैं हम, ये है नेशनल हाईवे 52, ये लोकल मतलब इस एरिया में इसे धूले सोलापुर रोड भी कहा जाता है बिकॉज़ ये सोलापुर से धूले जा रही है। अभी जब हम सोलापुर की साइड जा रहे हैं, धूले की साइड से आ रहे हैं, तो हम धूले से नहीं आए बट बीच में हम चढ़े थे इस हाईवे पे। अगर इस हाईवे की बात करी जाए तो ये काफ़ी लंबा हाईवे है, ये शुरू होता है संगरूर पंजाब में और ख़त्म होता है अंकोला कर्नाटका में, काफ़ी बड़ा हाईवे ये। इस हाईवे पे एक बार हमने बहुत बहुत रात की ड्राइविंग करी थी, सो एक ट्रिप थी जब हम वीडियोस नहीं बनाते थे 2018 में शायद, हाँ 18 में, आज से लगा लीजिए 5-6 साल पहला, तब हमारा बेबी जस्ट 1-1.5 साल का था,
तब हम आए थे दिल्ली से इधर घूमने के लिए, और हम घूमने आए थे नासिक, औरंगाबाद, शिरडी, हाँ ये तीन जगह घूमने आए थे हम, तीनों जगह। हाँ, औरंगाबाद मतलब वही, तब औरंगाबाद बोलते थे, उधर जो था ना नासिक के पास ज्योतिर्लिंग त्रिम्बकेश्वर, हाँ वही। तब हमने ये त्रिम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी देखा था, ये अपना गृहनेश्वर भी देखा था, और मध्य प्रदेश का भी एक देखा था, ओंकारेश्वर नहीं देखा था, महाकाल वाला देखा था, उज्जैन वाला महाकालेश्वर देखा था। ओंकारेश्वर हम अगली ट्रिप एक बार दिल्ली से हम गुजरात गए थे, तब हमने थोड़ा लंबा रास्ता लेके ओंकारेश्वर तब देखा था, वो 2019 जुलाई में देखा था। इन सब की कोई वीडियोस नहीं मिलेंगी आपको, हमने कभी वीडियोस वो बनाई नहीं, तब हम ऐसे ही शौक के लिए घूम रहे थे, कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। बट ये काफ़ी लंबा हाईवे है, ऊपर पंजाब से मतलब नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ से एकदम लेकर नीचे दक्षिण के कर्नाटका अंकोला तक जाता है, काफ़ी जगह पार करता है। जब हम नासिक से दिल्ली गए थे तब हम इस हाईवे पे बहुत मतलब हमने एक क्रॉस किया था, आप यकीन नहीं मानोगे हमने 23 से 24 घंटा गाड़ी चलाई थी और हम नॉनस्टॉप गए थे। 1250 किलोमीटर है नासिक से दिल्ली, वो हम नॉनस्टॉप गए थे 2018 में, जब रोड भी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, आजकल तो बीच बीच में रोडें अच्छी हैं तो इतनी दिक्कत नहीं है, बट उस जमाने में याद है वो गुड़गांव के टोल में वो भैया गाड़ी नंबर पूछ रहे थे, तुम बोल नहीं पा रहे थे, थक गए थे इतना। नहीं, गाड़ी नंबर नहीं हुआ गया था, हम यहाँ से गए थे नासिक से, हाँ वो एक नोट मुझे दे रहा, मैंने उसे एक नोट दिया, तब फास्टैग नहीं होता था, तो मैंने टोल पे एक नोट दिया, वो कहता है नोट ऐसा है, तो मैंने बहुत मरी हुई आवाज में, बिकॉज मैं थक गया था, 23 घंटे हो चुके थे गाड़ी चलाते हुए, और वैगनार थी वो, मतलब मैनुअल गाड़ी, बहुत मेहनत से चलाई थी, तो मैंने बहुत मरी हुई आवाज में बोला था भाई मुझे भी किसी ने पीछे ही दिया था, बट वो आवाज निकल नहीं पा रही थी एकदम, बहुत मतलब मर मर के आवाज निकली थी, वो बीवी को आज भी याद है, बहुत थक गए थे, बट अच्छा था। तब हमारी सिस्टर इन लॉ थी, उसको हमने फ़ोन कर दिया था, तो पहले हमारे घर पे आके खाना वाना बना दिया था, तो हम सुबह आज हम 9 बजे चले नासिक से, अगले दिन हम सुबह 7 बजे पहुँचे थे दिल्ली, और जाके फिर खाना वाना खा के अपने को रेस्ट मिल गया था, तो बहुत अच्छी ट्रिप थी, मज़ेदार थी, वो वाली वीडियो बनाते तो बहुत चलती, बहुत एडवेंचर हुआ था उस ट्रिप में हमारे साथ, पूरी रात गाड़ियाँ चलाई थी हमने, 3-4 रात गाड़ी चलाई थी उस ट्रिप में तो, और अच्छी अच्छी जगह रुके थे, ताज में रुके थे, चित्तौड़गढ़ भी रुके थे, चित्तौड़गढ़ के किले भी गए थे, बहुत इंटरेस्टिंग था। चलिए थैंक यू, प्लीज़ विजिट अगेन यदेशी औरंगाबाद टोलवे। सो ये टोल कंपनी का टोल यहाँ पे ख़त्म हो गया है, और ये आगे किसी और कंपनी ने टोलवे बनाया होगा, अच्छा वो सोलापुर यदेशी टोलवे ने बनाया है, पीछे औरंगाबाद यदेशी टोलवे ने बनाया था, और यहाँ ये वेलकम कर रहे हैं, सोलापुर यदेशी टोलवे लिमिटेड वेलकम्स यू टोल रोड स्टार्ट्स। यहाँ ये अच्छा है, जहाँ एक टोल ख़त्म होता है वहीं पे दूसरा शुरू हो जाता है, तो बीच में कोई ख़राब रोड नहीं है। अब धाराशिव आने वाला है, धाराशिव यहाँ से बस 31 किलोमीटर रह गया, और धाराशिव के बाद फिर अपने को जाना है तुलजापुर, सो चलिए चलते हैं। एक और टोल प्लाजा आ गया, ये है यदेशी, वेलकम टू यदेशी टोल प्लाजा, यदेशी यदेशी बोलेंगे शायद उसको, यदेशी यदसी यदसी टोल प्लाजा पे हम आ गए हैं, इसे करेंगे पार, जाएंगे धाराशिव की ओर, फिर जाएंगे तुलजापुर। जद्दोजहद करके 370 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हम फाइनली आ गए हैं आज शहर धाराशिव में, और इसका नाम धाराशिव इसलिए बिकॉज यहाँ पे पास में धाराशिव नाम की गुफाएं हैं, काफ़ी पुरानी, जैसे अजंता एलोरा है वैसे ही पुरानी गुफाएं हैं, जिनके नाम पे शहर का नाम पड़ा है। मुझे यही पता, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो मुझे कमेंट्स में सही चीज़ बताएं, बट जो मैंने लास्ट पिछली बार जब मैं इधर आया था तो ऐसे कुछ मैंने पढ़ा था जो मुझे ध्यान है। अब हम पार कर रहे हैं धाराशिव, हमारे राइट में है मेन शहर, हम उसके आउटर से जा रहे हैं, ऑब्वियसली आउटर से निकल रहे हैं, बाईपास मार रहे हैं शहर को, और अब इसके बाद जो अगला बड़ा शहर आएगा वो आएगा तुलजापुर, और यही है वो होटल सूर्या जहाँ हमने लास्ट टाइम क्रैब खाया था, केकड़ा, यहाँ बोर्ड बना था बड़ा सा केकड़ा का, वो अभी हटा दिया, बट है, मैंने पूछा, हाँ इधर ये बोर्ड है, बट मैंने पूछा है तो उन्होंने बोला हाँ है, चलो बेबी इधर चलो अंदर, और ये बेबी और मैं बैठे हैं केकड़ा खाने के लिए, हमने ऑर्डर दे दिया है केकड़े का, अभी एक दिया है, अगर अच्छा लगेगा तो एक और मंगा लेंगे, ठीक है बेबी, हाँ ओके। और शाम के बज गए हैं 4:15, 4:15, लंच हमने कर लिया था, बस हम केकड़ा खाने के लालच में रुके हैं बिकॉज बेबी को क्रैब खाना था, है ना, अब हैदराबाद में मिलेगा नहीं इसलिए बेबी खा के जा रहा है, हाँ टीवी देखने में इतना बिजी है, इतना बिजी है, क्या समझ आ रहा है तुम्हें वो क्या?
और ये हमारा वो आ गया केकड़ा क्रैब, ये है, ये इसका वेट कर रहे थे हम। ये हमने लास्ट टाइम खाया था, अच्छा लगा था, और कहीं हमें पता नहीं यहाँ कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। और एक हमने भाकरी मंगा ली जस्ट इसी के साथ थोड़ा सा खाने के लिए। तो चलिए ये खाते हैं, निकलते हैं, पहले बीबी को टेस्ट कराते हैं। रुको, एक्चुअली जो मेन चीज़ होता है माल वो इसके अंदर होता है केकड़े के, उसको थोड़ा ऐसे अंदर हड्डी तोड़ के निकालना पड़ता है। अभी मैं आराम से निकालूंगा, बीबी को तब तक टेस्ट कराएं। बढ़िया है, चलिए। और ये हम क्रैब खा रहे हैं, देसी क्रैब, मड क्रैब, नदी वाला जो महाराष्ट्र में होता है, ये है उसका क्लॉ। और इसे खाने का सही तरीका है, इसको पहले तोड़े, इसके अंदर मीट होता, ऐसे करें, ऐसे तोड़ोगे आप तो इसके अंदर ऐसे मीट निकलेगा। ये है इसका सबसे मीट वाला पार्ट, और इसको ऐसे करके खाएं। अब बड़े बड़े शहरों में तो बड़े बड़े क्रैब्स होते हैं महंगे महंगे, उनमें तो आप तोड़ोगे तो काफ़ी सारा मीट होता है, बट ये छोटे हैं, देसी हैं, लोकल, तो इनमें ऐसे ही होता है। तो इनका यही तरीका है, पहले हड्डी तोड़ो, फिर ऐसे चूसो, मस्त खाओ, मज़ा आ रहा है। और ये हमारा इवनिंग स्नैक्स हो गया, बीबी और मेरा, केकड़ा और रोटी, कड़क रोटी थी एकदम, वो मुझे क्या लगता है कि दिन की बनी हुई रोटी थी, बट उसको तंदूर में डाल दिया तो रोटी भी मज़ा आई, एकदम कड़क हो गई थी, मतलब कुछ वो नहीं था, मज़ा आया खाने में। 200 रुपए का हिसाब आई थी, 160 का तो केकड़ा ही बोला था, 20-20 रुपए की दो रोटियां होंगी तो 200 हो गया, और 10-20-30 रुपए अपने भैया को दे दिए, तो टोटल 230 के आसपास में अपना पूरा अच्छे से खाना हो गया। ये है फैमिली सेक्शन, ये है, यहाँ बैठ के खा सकते हो। आज कोई था नहीं तो हम उधर बैठ गए, बट लास्ट टाइम हम यहीं अंदर बैठे थे। चले बेबी, मज़ा आया? हाँ बेबी वेट कर रहा था केकड़े खाने का, मज़ा आया? ये दांत दिखाता है बस अपना टूटा हुआ। चलो, और ये जैसे हम खा के निकले, इस होटल की यही पहचान है, गूगल पे नहीं मिलता, मैंने बहुत ढूंढा था, पर इस होटल की ये पहचान है कि इस बोर्ड से जस्ट पहले है। ये बोर्ड अगर आपको दिल जाए जिस पे लिखा है तुलजापुर 4 और सोलापुर 45, तो मतलब आप समझ लो कि आप उस होटल के सामने हो, केकड़े होटल के। बड़ा अच्छा, सूर्य केकड़ा होटल। बड़ा अच्छा था, मज़ा आया। बेबी क्रैब कैसा था? अच्छा, अच्छा था। अब पेट भर गया, अब बज गए हैं 4:30, 6 बजे के आसपास थोड़ा चाय पियेंगे बस, फिर घर को। अब ये NH 52 का साथ हमारा यहीं तक था, ये अपने को छत्रपति संभाजी नगर के बाहर से मिला था हाईवे, वहाँ से यहाँ तक आया। अब यहाँ आप देख सकते हो तुलजापुर के लिए लेफ्ट बोल रहे हैं, 300 मीटर में ये लेफ्ट है, सो हमें यही तुलजापुर वाला लेफ्ट लेना है। ये ढाबे का यही पहचान है कि ये इस लेफ्ट से लगभग 5-4 किलोमीटर पहले आता है। सो अब हम जा रहे हैं तुलजापुर की ओर, और अब हम पकड़ लेंगे तुलजापुर नलदुर्ग रोड, और वो अपने को ले जाएगी नलदुर्ग, और नलदुर्ग के बाद तो फिर नेशनल हाईवे 65 मिल जाएगा पूरा हैदराबाद तक। ये हम तुलजापुर आ गए हैं। एक्चुअली है क्या, ये सीधा में जो नीचे रोड जा रही है एकदम सीधी, ये तुलजापुर शहर के अंदर जा रही है, बट अपने को शहर के अंदर नहीं जाना, बिकॉज हमें तो बाईपास करना है, तो हम यहाँ से लेफ्ट मार लेंगे, यहाँ से लेफ्ट में बाईपास है इसका, और ये आगे जाके नलदुर्ग वाली रोड पे जोड़ देगा। सो तुलजापुर चली गई अंदर रोड। अगर आप लोगों को नहीं पता तो तुलजापुर एक बहुत फेमस जगह है महाराष्ट्र की। तुलजापुर में है तुलजा भवानी टेम्पल मंदिर, जो एक शक्तिपीठ है, मतलब माँ सती के जो 54 हिस्से गिरे थे शरीर के, उसमें से एक हिस्सा इधर गिरा था, और इधर गिरा था लेफ्ट आर्म को अगर हम हिंदी में बोले तो बायां हाथ, ये वाला, जैसे ये बायां हाथ लेफ्ट आर्म, ये गिरा था इधर। और ये जो तुलजा भवानी जी का मंदिर है, ये हमारे शिवाजी महाराज जो थे उनकी कुल देवी भी है, मतलब मराठाओं की कुल देवी है, और ये यहाँ पे शक्तिपीठ भी है। अगर आप मूवी देखोगे जैसे तान्हा जी है, उसमें आपको गाने सुनाई देंगे जय माँ भवानी, ये सब ये तुलजा भवानी के ऊपर ही बने हैं। महाराष्ट्र की बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा टेम्पल है ये, काफ़ी फेमस है, बहुत मान्यता है इसकी। और हम जा रहे हैं आगे नलदुर्ग की ओर, सामने आप देख सकते हैं, आगे कहीं से एक राइट आएगा नलदुर्ग के लिए, वो पकड़ना है अपने को। चलिए, कितने अच्छे नज़ारे हैं, ये तो ड्रैगन फ्रूट के लिए बनाया है खेत, ये ड्रैगन फ्रूट के लिए वो लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं, सीमेंट का वो बनाते हैं, बट इधर नज़ारे देखो आप कितने सही है। वैसे ये हम गलत, हाँ ग्रेप्स लगा रहे हैं, अंगूर की खेती हो रही है इधर, अभी शुरू कर रहे हैं,
वैसे ये हम गलती से आ गए, अपना एक्चुअली ऊपर राइट था एक 4 किलोमीटर पहले, बट उसका कट भूल गए हम, तो हमें काफ़ी लंबा ये यू टर्न पड़ा। बट यहाँ नज़ारे बड़े सुंदर है, तो हमने कहा आप यू टर्न ले ही रहे तो आपको नज़ारे तो कम से कम दिखाएं। यहीं पे आगे में एक छोटा सा तालाब भी दिखा था अपने को लेफ्ट में, आप देखो कितना अच्छा है, ज़्यादा घर नहीं है, खेत हैं और बड़े बड़े पेड़ हैं, वो तो शायद नारियल के पेड़ हैं, आम के, लीची तो नहीं होगा यहाँ, आम के पेड़ हैं शायद उधर, आम, नारियल, पानी का तालाब, कितना सुंदर लग रहा है, वाह, ऐसे लग रहा है इस तालाब में कितनी मछली होगी, मछली पकड़ने में क्या मज़ा आएगा, जाएं बैठे मज़े से छाता लगा के मछली पकड़ें, वहीं फ्राई मारें, रात को पकड़ के खाएं और निकल लें। बहुत सही, बहुत सही। चलिए अब अपने को 2-3 किलोमीटर आगे जाके एक राइट लेना है, उस राइट में किसी तरह चढ़ेंगे। चल, ये एक कच्ची रोड का कट था, ये देखो आप, ये भूल गए थे हम लेना, इस पे चढ़ के अपने को सामने वाले हाईवे पे जाना है जो लेफ्ट में जा रहा है, नलदुर्ग, क्या बोलते, तुलजापुर रोड, वो वाली है। अब नलदुर्ग शहर के अंदर जाके भी हम वो रोड पकड़ सकते थे, बट वो थोड़ा लंबा पड़ता है तो गूगल ये दिखाता है, बट अपने को तो बात लगभग बराबर ही पड़ गई, टाइम तो बचा नहीं अपना, बिकॉज हम ये कट भूल गए थे और आगे से हमें यू टर्न लेके आना पड़ा। बट ये कारण यही है बिकॉज हमें ये जाना है ये ऊपर वाली लेफ्ट वाली रोड पे, और इसका कनेक्शन अभी अच्छे से बना नहीं है, एक बार ये कनेक्शन बन जाएगा तो ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, बट अभी नहीं है इसलिए किसी तरह कर रहे हैं। ये ट्रक के पीछे पीछे जा रहे हैं और बड़े बड़े ट्रक हैं वो इस पे चल रहे हैं, जय तुलजा भवानी सामने आप देख सकते हैं ट्रक जा रहे हैं, दूसरी साइड से भी एक और ट्रक आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बस ऊपर जाने वाले हैं, कई ट्रक होंगे जिन्हें नीचे इस साइड जाना है, मतलब क्या बोलते हैं हैदराबाद से उस्मानाबाद और ये धाराशिव की साइड जाना है, तो वो लोग भी ऐसे आ रहे हैं। गए हैं नलदुर्ग तुलजापुर रोड पे, ये तुलजापुर से आ रही है, नलदुर्ग जा रही है, नलदुर्ग पे जाके ये जोड़ देगी नेशनल हाईवे 65 पे, नेशनल हाईवे 65 वही 65 है जो हैदराबाद जाता है, वैसे वो जाता है मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश से पुणे तक, बट हमें मिलेगा नलदुर्ग पे और हमें छोड़ देगा हैदराबाद पे। चलिए सामने की रोड देखो आप, ये है तुलजापुर नलदुर्ग रोड जिसे हम निकल चुके हैं, यहाँ नहीं पुलिस वाले उस पर होते हैं, नलदुर्ग के पास NH-65 पे होते हैं, वो नेशनल हाईवे पे होते हैं, ये छोटी रोड है अभी, नलदुर्ग तक ऐसी रहेगी, बट इस रोड पे नज़ारे बड़े सुंदर होते हैं। देखो आप, ज़्यादा कुछ भी नहीं है जैसे मुझे पसंद है, विंड मिल देखो आप कितनी सारी है, पवन चक्कियाँ, गिन सकते हो तो आप मेरे को गिन के बताओ कितनी है, कम से कम 8-9 तो मुझे ही दिख गई है यहीं से खिड़की के, मतलब गाड़ी के शीशे से ही, बहुत सारी हैं बट चल नहीं रही, आई थिंक आज हवा नहीं है उतनी, और मौसम देखो आप, जब हम सुबह चले थे अजंता में क्या अंधेरा था, बारिश हो रही थी एकदम अंधेरा था, और यहाँ आप देखो धूप निकली हुई है बढ़िया सी, शाम के बज गए हैं 5:13, अभी भी 5 घंटे का रास्ता है, 10 बजे तक घर पहुँचेंगे। ये हमें बोर्ड देखा गुड़चा चाहा, यही देख के हम रुके, हमें गुड़ वाली चाय पीने का मन था, ढूंढ रहे थे पीछे से, पीछे एक दो दुकान छूट गई थी, यहाँ बोर्ड देखा तो हमने फटाफट गाड़ी घुमाई और हम आ गए, है ना बेबी, है ना, एक साथ डाल दो वहीं पे, वो खा लेगा, ये नहीं डालेगा, तुम डाल दो, ये बेचारा दुबला पतला डॉगी दिखा अपने को, और ये खा भी रहा है बिस्किट मजे से, बच्चे हैं शायद इसके, हाँ कुत्ता यही करता है ना, जब बच्चे होते हैं पहले खाता है उसे कोने में रखता है और फिर हाँ फिर ले जाके जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ जाके निकाल के फिर उनको खिलाता है। हम इधर से आए, ये है रोड जो तुलजापुर से आ रही है और ये इधर में जा रही है नलदुर्ग को जो नेशनल हाईवे 65 पे जाएगा, हम इधर से जा रहे थे और हमें ये वाला बोर्ड दिखा था, होटल सह्याद्री कैंटीन गुड़चा चाहा, ये हमने पढ़ा और ये प्रोप्राइटर भोसले बंधु, भोसले भैया हैं ये जो हैं, मेरी बीवी मजाक कर रही थी, कह रही थी आप आशा भोसले की फैमिली से हो तो ये दिखा हमें, ये दिख के हमने गाड़ी यहीं पे रोकी और चाय वाय पी, चाय बहुत सही थी और लोकेशन भी अच्छी है, बड़ा सा पेड़ है, शेड है, तो यहीं पे चाय पी ली, गाड़ी की हालत ख़राब है, कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, चलिए आप चलते हैं आगे नलदुर्ग। ये हमने चाय पी लिया और जिस जगह हमने चाय पी वो जो भैया थे उनका एक हाथ सही नहीं था, मतलब प्रॉब्लम थी, एक हाथ सही था, राइट वाला सही था, लेफ्ट वाले में प्रॉब्लम था, बट फिर भी मानना पड़ेगा ये बंदा मतलब दुकान चला रहा है, मेहनत कर रहा है, ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं, ऐसे लोगों को देख के मतलब वो क्या बोलते हैं, एक वो आती है ऊर्जा आती है, क्या तो मोटिवेशन आता है कि यार जब ये इतनी मेहनत करके कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमारे पास तो सब कुछ है, तब मैंने उनके सामने नहीं बोला, अच्छा नहीं लगता ऐसे बोलना मुझे,
किसी के सामने, मतलब उनको शायद लगेगा कि हमारा फ़ायदा उठा रहे, बट वो देख के काफ़ी सही लगा मुझे कि लोग ऐसा होने के बाद भी मेहनत करते हैं। ऐसे हमने एक बार कलकत्ता के कलकत्ता से सिलीगुड़ी जाते हुए देखा था, एक भैया थे उनके एक पैर नहीं था और वो क्या बोलते हैं कोकोनट वाटर बेच रहे थे और वो भी सही वाजिद जाम में 40 या 50 रुपए का, जो वहाँ के लिए काफ़ी सही है बिकॉज वहाँ हमने 70 रुपए का भी पिया था जस्ट पहले, तो बड़ा सही था। ऐसे लोगों को देख के अच्छा लगता है, आप कुछ नहीं कर सकते बट हाँ ऐसे लोग दिखें, आप आओ तो उनकी थोड़ी मतलब जो भी वो बेच रहे हैं वो कर रहे हैं वो लो, थोड़ा इंकरेजमेंट होगा उनको भी, अच्छा लगता है। सो हमें भी मज़ा आया, ये अच्छा था और भैया ने सब हाँ चाय भी अच्छी पिलाई, चाय बहुत अच्छी थी और सब्सक्राइब भी कर लिया हमारे चैनल को। हाँ हम वीडियो बना रहे थे तो पूछा उन्होंने, सो सही था। फिर कभी भी आएंगे तो अब ये लोकेशन याद रहेगी मुझे, इन्होंने बोला यहाँ से नलदुर्ग 12 किलोमीटर है, सो नलदुर्ग से 12 किलोमीटर में हम पक्का चाय पियेंगे, ये रोड हम आते रहते साल में। हाँ अगर कोई आता है तो आप ये ट्राई करना, नलदुर्ग से जैसे ही आप लेफ्ट मारोगे तो 12-13 किलोमीटर में ये आ जाएगा, और अगर उधर से आ रहे हो तुलजापुर से आ रहे हो तो नलदुर्ग से 12 किलोमीटर पहले आएगा। सो यही है, हाँ स्पेशल गुड़चा चाय का बोर्ड है, बोर्ड मैंने आपको दिखा दिया है वीडियो में, तो काफी सही था। चलिए अब हम जा रहे हैं आगे नलदुर्ग की ओर, लेफ्ट में देखो, अब लेफ्ट में थोड़ा सा दिक्कत है, ये खिड़की खोल के दिखाओ तब सही आएगा। इधर ये आप देखो यहाँ पे कितने सारे विंड मिल के वो पड़े हैं, फैन फैन ही बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे पंखा, विंड मिल का चक्की, इतनी सारी चक्कियां हैं, इतनी लंबी है। हाँ ये कोई फैक्ट्री या कुछ है या गोडाउन है बड़ा, यहाँ हमेशा होती है। मैं जब सबसे पहले आया मुझे लगा शायद कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा तो अभी होंगी, बट पिछले 2 साल से जब से हम आ रहे हैं यहाँ हमेशा होती है, मतलब यहाँ कोई ना कोई विंड मिल आई थिंक बनती रहती है या शायद कोई मेंटेनेंस भी होता होगा इन चक्कियों का, तो ये चेंज होते होंगे शायद, बट यहाँ पे बड़ा सा शेड है, गोडाउन सा है इनका, हमेशा यहाँ पे पड़े रहते हैं, काफी सही। और ये हमारे चेहरे पे आ गई है चमक क्योंकि आ गया है नेशनल हाईवे 65, ये सामने हम इसी पे कनेक्ट हो रहे हैं। और इस हाईवे की सबसे अच्छी बात जो हमें लगती है वो ये है कि ये हमारे घर से बस 10 किलोमीटर दूर तक अपने को छोड़ देगा, अब अपने को नो लेफ्ट नो राइट, सीधा इस पे चलते जाना है और अपने घर से बस 10 किलोमीटर। आप ये देख भी लो अगर आपको यकीन नहीं है तो यहाँ पे ये बोल रहा है हमारा घर है 242 और ये बोल रहा है कि 223 किलोमीटर तक अपने को इसी रोड पे जाना है, कहीं लेफ्ट राइट नहीं होना, बस लास्ट के 19 किलोमीटर या 18 किलोमीटर के लिए अपने को ORR पकड़ना है और फिर लोकल रोड पकड़नी है। सो इस चीज़ मतलब इस रोड की एक खासियत है, नेशनल हाईवे 65 चेहरे में चमक वापस, अभी भी है 4.5 घंटे का रास्ता बट अब तो कट जाएगा, अब तो घर वाली रोड आ गई, सफर खत्म होने वाला है। खत्म होने वाला, सेना का शेर फुल दहाड़ रहा है, अब कौन सी वाली शिवसेना मुझे नहीं पता, शिवसेना के भी टुकड़े हो रखे हैं आजकल, बट जो भी है शेर अच्छा लग रहा है, अब मैं पॉलिटिकल उस पे नहीं जाऊंगा, शेर बढ़िया लग रहा था देखने में, चलिए जोश में था। ये हम जलकोट शहर आ गए हैं, इसके नाम का मैंने पूछा था और किसी ने पिछले वीडियो में कमेंट भी करा था और हमें बताया था, आप जो भी हो थैंक यू सो मच। अब अपने को यहाँ पे थोड़े से फ्रूट्स लेने हैं, कल बेबी का कुछ है नहीं स्कूल में खाने के लिए, सो अगर आगे कहीं अच्छे बनाना मिलेंगे तो थोड़े बनाना लेने, लास्ट टाइम हमने लिए थे यहाँ पे अच्छे मिले थे, इसके थोड़ा सा आगे में एक मार्केट होती है, चलिए देखते हैं वहाँ मिलेंगे तो बनाना वनाना लेके जाएंगे। और ये आ गया है महाराष्ट्र का आखिरी टोल, और ये टोल प्लाजा मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, और ये तो सारे ही बंद है नाम नहीं है, और सारे टोल में कहीं ग्रीन लाइट है ही नहीं, ये मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज ये है बॉर्डर, आप लगा लीजिए दक्षिण भारत और क्या बोलते हैं पूर्वी भारत, वेस्टर्न इंडिया, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, पश्चिमी भारत, हाँ पश्चिमी भारत, वेस्टर्न भारत, बिकॉज महाराष्ट्र वेस्ट माना जाता है और अब कर्नाटक आने वाला है, कर्नाटक साउथ माना जाता है, सो ये वेस्ट और साउथ का आप लगा लीजिए इंडिया का बॉर्डर है, अब लगभग 5 किलोमीटर में बॉर्डर आ जाएगा और फिर हम प्रॉपर दक्षिण भारत में एंट्री कर लेंगे कर्नाटक में, इसलिए मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग जगह लगती है यहाँ, मतलब कल्चरल मिक्स है, साउथ भी है वेस्ट भी है, हाँ नहीं ईस्ट नहीं है, चलिए चलते हैं। चेहरे पे आ गई है चमक बिकॉज आज हम आ गए हैं पहले बॉर्डर पे और आप देख सकते हैं यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है ओनली फॉर कार, मतलब बस गाड़ी जाना अलाउड है, ट्रक वगैरह अलाउड नहीं है। चलिए गाड़ी निकालते हैं, बड़ा पतला छोड़ते हैं ये ताकि बस गाड़ी निकल जाए ये, और ये बॉर्डर है महाराष्ट्र और कर्नाटका का, ये पार ये RTO है एक्चुअली, बॉर्डर थोड़ा सा आगे यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे है बट ये RTO है, और अब हम आ जाएंगे दक्षिण भारत में, सो ये क्या बोलते हैं
पश्चिमी भारत का दौरा हमारा खत्म होता हुआ, बाय बाय होता हुआ, और अब हम दक्षिण भारत में आने वाले हैं। और ये हम मंगल की टोल प्लाजा से निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं सामने टोल प्लाजा बना हुआ है। अब हमारा घर है यहाँ से एग्जैक्ट 122 किलोमीटर, और टाइम ये बता रहा है 2 घंटे 16 मिनट लगेंगे। ऑलमोस्ट रात के 8 बज गए, सो 10 और 10:30 के बीच आसपास घर पहुंचने की उम्मीद है। सुबह से हम चल चुके हैं 550 किलोमीटर, अभी भी रह गया 122, मतलब टोटल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 672-680 लगा लीजिए, घर पहुंचते पहुंचते शायद 680 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए और ये हम कर्नाटका में आ चुके हैं, आपको पहले बताया था हमने बॉर्डर क्रॉस किया था। अब हम जा रहे हैं बसवा कल्याण, ये कर्नाटका में एक छोटा सा शहर है हुमाराबाद से पहले। उधर क्या है, कंपनी ओल्ड पंप है बीपी का, बीपी का डीजल अपने को पसंद है, बेस्ट होता है मेरे हिसाब से, मैं वही भरवाता हूँ। वहाँ एक कंपनी ओल्ड पंप आता है, मैंने एक दो बार पहले भराया है, अगर वो नहीं भी आता तो हम घर पहुँच जाते, इतना डीजल तो है, बट वो आ रहा है तो हम भरवा लेंगे, कुछ दिन सस्ता डीजल घर पे भी चला लेंगे। तो चलिए अब 10-12 किलोमीटर में आएगा तो वहाँ डीजल भराते हैं। और ये हम तीनों के चेहरे पे आप चमक देख सकते हैं, ये इसलिए बिकॉज हमें दिख गया है बोर्ड वेलकम टू तेलंगाना, जब तक हम आपको दिखाते वो पीछे निकल गया। बट बहुत खुशी हो रही है अब हम तेलंगाना में आ गए, अब अपना रह गया 105 किलोमीटर ओनली, अब बस 105 किलोमीटर में अपना घर आ जाएगा, और 2 घंटे का रास्ता है एग्जैक्ट ये बता रहे गूगल। अब हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज हमें डिनर भी करना है, हमने डिनर नहीं किया, वाइफ का तो फास्ट है बेबी और मुझे खाना है, और अब जिस लेवल की भूख और वो लग रही है शायद बिरयानी खा लेंगे, बिरयानी आसान है, ज़्यादा मेहनत है नहीं, बस एक बिरयानी मंगाओ दोनों का काम हो जाएगा। सो यही सोच रहे हैं हम, RTA चेक पोस्ट लिखा हुआ आ गया वहाँ पर, वेलकम टू तेलंगाना स्टेट RTA चेक पोस्ट। चलिए अगला बड़ा शहर आएगा जहीराबाद, जहीराबाद के बाद सदाशिव पेट के बाद संगारेड्डी के बाद पठानचेरू में करेंगे डिनर। ये अब हम अपने घर से 31 किलोमीटर दूर है, और ये नांदेड़ का कट आ गया, ये जो आपको ऊपर फ्लाईओवर सा दिख रहा है जिसपे गाड़ियां जा रही हैं, ये रास्ता है नांदेड़ जाने का, जाते हुए हम इसी रास्ते से गए थे, अगर आपको आपने ये सीरीज देखी तो जाते हुए हम इस रास्ते से नहीं गए थे, अलग रास्ते से गए थे, वो नांदेड़ वाला रास्ता था जो ऊपर से जा रहा है। ये आगे हैदराबाद से होके इंदौर जाने वाला हाईवे है जो बन रहा है, बट ये पूरा बना नहीं है, तो बीच बीच में ठीक है, बीच बीच में बेकार है। तेलंगाना में बहुत अच्छा है, महाराष्ट्र में पहुँचने के बाद ये नहीं बना है ढंग से, इसलिए थोड़ा वहाँ बेकार है। बट चलिए अब हमारा टाइम रह गया 45 मिनट घर पहुँचने के लिए, और बस 30 किलोमीटर। और ये तेलंगाना का डीजल रेट 95.88, सबसे महंगा यही है, हमने महाराष्ट्र में 91 भराया था। चलिए ऑलमोस्ट 39 लीटर्स गया, और ये आप देख सकते हो यहाँ मैं डीजल भराने रुका था, ये एक्चुअली हमारे घर से ऑलमोस्ट कितने पे, लगभग 25 किलोमीटर पे ये वो आता है टोल प्लाजा पेट्रोल पंप आता है। देखिए आप इतनी नींद चढ़ गई है कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ क्या बोलो, मतलब यहाँ पे कंपनी ओन पेट्रोल पंप आता है बीपी का, इस पर मैं नॉर्मली भराता नहीं था, आज मैंने बहुत सालों बाद यहाँ भरा है। इसका कारण ये है कि मैं हमेशा कर्नाटका में भरा के आता था बिकॉज वहाँ सस्ता होता है, कर्नाटका महाराष्ट्र रास्ते में सस्ता है, तेलंगाना महंगा है। जैसे कर्नाटका में आई थिंक 88-89 है, तेलंगाना में 95 है जो मैंने अभी भराया, और यही अगर मैं महाराष्ट्र में भराता तो 91-92 के आसपास होता। सो सबसे महंगा तेलंगाना है, बट आज क्या हुआ कि वो पंप मुझे बसवा कल्याण वाला मिस हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, तब शायद बीवी और मैं गपशप मार रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, और अगले कुछ दिन के लिए ऑफिस जाने के लिए भी डीजल चाहिए होगा, और मेरे घर के आसपास है नहीं, ऑफिस के पास है बट वहाँ भी गाड़ी जाती या नहीं पता नहीं था, तो मैंने यहीं पे कंपनी ओन दिखा तो भरवा लिया, अब अपना काम चल जाएगा। अब रह गया बस 20 किलोमीटर और 39 मिनट्स का रास्ता। ये तेलंगाना में पहली बार देखा मैंने, कावड़ यात्रा के लिए जा रहे हैं, यहाँ बहुत कम दिखता है, और ये उज्जैन जा रहे हैं शायद महाकाल का, हाँ, वो लगा हुआ है, बड़ा सही है, यहाँ बड़ा कम देखा मैंने, दक्षिण भारत में इतना दिखता नहीं कावड़ यात्रा, नॉर्थ में तो मध्य प्रदेश यूपी साइड बहुत होता है, महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत देखा मैंने, इतना नहीं देखा, बट यूपी महाराष्ट्र में तो यूपी और उत्तर प्रदेश में तो बहुत होता है, हरियाणा में भी बहुत होता है, बट यहाँ पहली बार देखा मैंने, मतलब मुझे हो गए 4-5 साल हैदराबाद में, आज पहली बार मैंने किसी को कावड़ यात्रा पे
यहाँ से जाते हुए देखा है। चलिए बट ये आप देखो, ये हैदराबाद में बोनालू फेस्टिवल चल रहा है आजकल लेदर लोगों का, तो कितना अच्छा गेट बनाया है, बहुत सुंदर लग रहा है। राम लक्ष्मण सीता जी बने हुए गेट पे, हनुमान जी है नीचे, बड़ा सही। चलिए अब हम अपने घर से बस 2 किलोमीटर दूर है, अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आज हम आए 680 किलोमीटर ऑलमोस्ट सुबह से शाम तक। अगर सुबह की बात करें तो हम निकले थे अजंता के वहाँ से, मतलब अजंता केव्स के वहाँ से, फिर हम गए कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। कृष्णेश्वर के पास ही एलोरा भी है बट हम एलोरा नहीं गए। कृष्णेश्वर में हमें थोड़ा दर्शन में टाइम लगा बिकॉज सावन का महीना है, बहुत भीड़ थी। कृष्णेश्वर में हर बार मेरे 40 मिनट में दर्शन हो जाते थे, आज हमें ऑलमोस्ट 3 घंटा लगा, बट ठीक है सावन का महीना है, होता है। सो बहुत अच्छा रहा आज का दिन, और उसके बाद बेबी को खाना भी अच्छा मिल गया, मटन भाकरी मिल गया, और फिर शाम को क्रैब भी मिल गया। बेबी इज हैप्पी, और घर जाके अब बिरयानी ऑर्डर कर दिया पापा ने, तो बिरयानी खा लेगा। सो बेबी इज हैप्पी। चलिए इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। होप यू एंजॉयड द जर्नी विद अस। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।